नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दाविनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में दर्शकों अपने इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में हम थोड़ी सी सहायता कर सके और साथ ही कर सके आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन और हर बार हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं और आज इस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है पत्रकारिता और जनसंचार मीडिया अध्ययन और रोजगार और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी संदेश कुमार जी से जो कि है असिस्टेंट प्रो, प्रोफेसर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन संचौली कॉलेज तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने थैंक यू वेरी मच जी सर जैसे कि आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में जर्नलिज्म के बारे में हम जानते हैं कि लोग जो है परिचित है अच्छे तौर पर और जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें भी हम जो ये चीज़ें हैं ये सब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हैं चाहे हम जुड़े हैं इससे चाहे नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप अपनी अपनी भाषा में किस तरह से परिभाषित करते हैं जर्नलिज्म को और मास कम्युनिकेशन को जी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन uh, को समझना पड़ेगा अगर हम थोड़ा सा बेसिक में जाएँ तो कम्युनिकेशन मतलब संवाद कला uh, विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं अगर हम हायर लेवल पे देखें तो ये समझ का आदान प्रदान अर्थ का आदान प्रदान है कि uh, एक क्लासिक डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज द मीटिंग ऑफ द माइंड्स कि मेरे दिमाग में किसी uh, चिन्ह का या किसी शब्द का क्या अर्थ चल रहा है क्या वही अर्थ मैं सुनने वाले के दिमाग तक पहुँचा पा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन है और अगर हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करें तो जर्नलिज्म एक स्पेसिफिक विधा है ये खास तरह की सूचनाएं जिनको हम न्यूज़ कहते हैं समाचारों का आदान प्रदान करने वाला जो जो विधा है वो जर्नलिज्म है बाकी मास कम्युनिकेशन के अंदर ही जर्नलिज्म है तो मास कम्युनिकेशन बहुत बड़े लेवल पे एक ही समय में बहुत सारे लोगों से आप संवाद कायम कर रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन है जी बिल्कुल जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से डिफरेंस है इन दोनों में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में और किस तरह से आपने इसको परिभाषित किया तो इसी के साथ हम अगर जानना चाहें कि जैसे हम बच्चों के बच्चे जो है इंटरेस्ट रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें जिज्ञासा होती है तो हम हमारा सवाल आपसे यही है कि किस तरह के कोर्सेज इसमें होते हैं अगर हम बेसिक कोर्सेज की बात करें और साथ ही अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो किस तरह की कोर्सेज इसमें पढ़ाई जाती हैं और किस तरह के कोर्सेज में जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जी इसके लिए अगर शुरुआत करें तो कॉलेज लेवल पे भी इसमें बी जे एम सी कोर्सेज है आ, अपनी हायर एजुकेशन जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो होता है कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बी जे एम सी के डेडिकेटेड कोर्सेज़ भी कई जगह होते हैं लेकिन हमारे हिमाचल में आर्ट्स में बी ए के साथ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी लगभग बीस इक्कीस कॉलेज में ये चल रहा है और आने वाले समय में ये हर एक कॉलेज में शुरू किया जा सकता है और उसके बाद जो मुख्य पढ़ाई है जो जिसको हम स्पेशलाइज एजुकेशन कह सकते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है और उसमें मास्टर्स डेडिकेटेडली जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप कर सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में कर सकते हैं प्रिंट मीडिया में कर सकते हैं या एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन में कर सकते हैं और उसकी उसी तरह की डिप्लोमा कोर्सेज भी है डिप्लोमा इन फोटो जर्नलिज्म आप कर सकते हैं और इस तरह के स्पेसिफिक कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म में आप कर सकते हैं इस तरह की अपार संभावनाएं जो आपकी निकलती है वो ज्यादातर ग्रेजुएशन uh, के बाद uh, हम कह सकते हैं अभी हिमाचल के संदर्भ में जी बिल्कुल सर जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे कोर्सेज़ हैं किस तरह से हम कर सकते हैं और अगर हम इसी के साथ आगे बढ़ें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम हिमाचल की अगर बात करें या ऑल इंडिया लेवल की हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी जगह है कॉलेज़ है यूनिवर्सिटीज़ है या ऐसे कौन से एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम जो ये शिक्षा है प्राप्त कर सकते हैं Uh, उसके लिए नेचुरली हिमाचल में हमारी सबसे पसंदीदा जो हमारी फेवरेट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी uh, वो को, ये कोर्स प्रोवाइड करती है उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में ये कोर्स है और इसके अलावा अगर हो सके तो आप हिमाचल से बाहर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए पंजाब यूनिवर्सिटी में है नॉर्थ इंडिया में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है डेली यूनिवर्सिटी है और इवन अगर दिल्ली तक अगर आप पहुँच सकते हैं तो वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं और इंडिया की नंबर वन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में वो इंस्टीट्यूशन uh, है और उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं दिल्ली में है बॉम्बे में है हैदराबाद में है ऑल इंडिया लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी संस्थान हैं आप चाहें तो अगर आप वहाँ जाना नहीं चाहते एटलीस्ट जो भी ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करते हैं और जर्नलिज्म में अपना भाग्य आज़माना चाहते हैं वो वहाँ का एंट्रेंस ज़रूर दें उससे जी। ही उससे भी वो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत प्रेरित होंगे इस सब्जेक्ट के लिए जी बिल्कुल दर्शकों जैसे कि हमने जाना कि किस तरह से आप कोर्सेज़ जो हैं नए नए कोर्सेज के बारे में हमने जाना और साथ ही कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं हिमाचल के बारे में तो हमने जाना कि हिमाचल में हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं साथ ही हमने इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेज के भी नेम सुने जहाँ से आप जो एजुकेशन है ये सब्जेक्ट है पढ़ सकते हैं और अपनी डिग्री कम्प्लीट कर सकते हैं तो सर इसी के साथ अगर हम बात करें अगर हम एडमिशन की जैसे प्रो, प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात या पहला स्टेप हमारा आता है एडमिशन प्रोसेस यानी कि एंट्रेंस एग्जाम या एंट्री हम किस तरह से ले तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम एंट्री लेते हैं जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है और किस तरह के सब्जेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया है और किस तरह से एंट्रेंस के लिए तैयार होना चाहिए जी ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं बेसिक क्राइटेरिया ग्रे, आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और आ, मतलब अगर हो सके तो फर्स्ट डिवीज़न में हो अदरवाइज मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट जो आपका जो इसका क्राइटेरिया है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद मतलब मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती कंडक्ट करवाती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसी तरह से बाकी इंस्टीट्यूशन भी और उसके बाद अगर आप उसमें क्वालीफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होगा

कोई अगर हम बात करें कि जो टॉपर्स हैं उनको कुछ जो खास है या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट मिलती है या कोई कोटा उन्हें मिलता है क्या ऐसा भी कुछ आ, सिस्टम है एजुकेशन में इस तरह में? नहीं इस तरह का मतलब हम वैसे नहीं कह सकते हैं लेकिन जो एंट्रेंस में जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड सीट्स हैं जितनी सीट्स हैं वो अगर आ, उसमें कोई टॉपर है फर्स्ट हैं या लास्ट हैं उन सबको एडमिशन मिलेगी और उसके बाद फिर दैट्स अ लेवल ग्राउंड यू नो जो जिन्होंने भी एडमिशन उस इंस्टीट्यूशन में ले ली है उसके बाद उनका मतलब सभी का एक जैसा कंपटीशन आगे के लिए होगा

बीजेएमसी हमारे पास हिमाचल में एज अ डेडिकेटेड कोर्स नहीं है कि पूरे तीन साल बच्चा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ही पढ़ रहा है अभी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है ये आर्ट स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है कि जैसे पहले बी में मान लीजिए कोई पोलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री ऑप्ट कर रहा था तो वो हिस्ट्री के साथ जर्नलिज्म ले सकता है या पोलिटिकल साइंस के साथ जर्नलिज्म ले सकता है इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं और उसी में ही एक मेजर या माइनर वो ऑप्ट कर सकता है तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो बड़ा मेटिकुलसली बड़ा सोच समझ के एच पी यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस बनाया है और इसकी मतलब जो इसका पर्पज़ है ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि भी बच्चे को किसी तरह से वो एक स्ट्रीम लाइन हो सके इसके लिए एक शौक, शौक मतलब उसका जाग सके और वो समझ सके कि वास्तव में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन क्या है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो सबसे बेसिक जो मैं समझता हूँ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स है और उसके बाद फिर दूसरा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू रेडियो एंड टेलीविज़न uh, 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 और ये फर्स्ट ईयर में रहते हैं उसके बाद सेकंड ईयर में जैसे बच्चों को फिर मेजर अपना ऑप्ट करना होता है तो उसमें सेकंड ईयर में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन्स आ जाता है और उसके बाद फिर साथ में इंट्रोडक्शन टू न्यू मीडिया जो आ, आप जानते हैं न्यू मीडिया डिजिटल मीडिया का ज़माना है और उसके अलावा स्किल के सब्जेक्ट्स रिपोर्टिंग एडिटिंग एंड फ़ीचर राइटिंग का आ जाता है और उसके अलावा स्किल्स फॉर न्यू मीडिया का कोर्स है सेकेंड ईयर में ये चार सब्जेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो मेजर वाले स्टूडेंट्स रहेंगे और उसके बाद फिर फाइनल uh, ईयर में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल मीडिया और इंट्रोडक्शन टू फोटो जर्नलिज्म आ जाता जी, है जी, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं फिल्म अप्रिसिएशन स्किल्स उनको फाइनल ईयर में पढ़ना पड़ता है तो ये चार चार सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में और इसी हिसाब से दस सब्जेक्ट मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ने अपनी हैं। अपनी डिग्री मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करते हुए उन्हें इतने सारे जो उनको बेसिक पता लग जाता है कि क्या जर्नलिज्म है और किस तरह का जो सब्जेक्ट है किस तरह का फील्ड है और क्या क्या चीज़ें वो ऑप्ट कर सकते हैं इसी के साथ जो बच्चे फिर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट में और इसी में आगे जाना चाहते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह के कोर्सेज होते हैं डिग्री है, और वो किस तरह के सब्जेक्ट्स जो है आ, उस समय पढ़ते हैं? आपको में भी बताया कि भी कोई नहीं, है, नहीं रहेगी लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है अभी तक फिलहाल उनको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दी जाती है जो कि डेफिनेटली उनको हेल्प करता है एंट्रेंस एग्जाम में लेकिन इसके बाद भी फिर लड़ाई मतलब

प्रिंट मीडिया के कोर्सेज कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज आप पैरेलल कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटीज़ ने पैरेलल आप दो डिग्री कर सकते हैं और साथ में आ, डिप्लोमा कोर्सेज अपने स्किल सेट को अपने इम्प्रूव करने के लिए वो भी आप करेंगे जी बिल्कुल जैसे सर अभी आपने हमें बताया था कि किस तरह से हिमाचल में जो है कोर्सेज़ आप मतलब एक सब्जेक्ट के साथ एक ऑप्शन के तौर पे जो है इसे ले सकते हैं तो क्या हम आ, क्या ऐसे कोई कॉलेजेस है या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अगर हम हिमाचल की ही बात ना करें बाहर भी बात करें जो सिर्फ जर्नलिज्म अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं अपनी डिग्री उसमें प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या वो ऐसी कोई जगह है जहाँ से ऐसी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं ऐसे बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन नो डाउट अगर कोई डेडिकेटली करना चाहता है वो अवेलेबल हैं जी। उसके लिए आपको हिमाचल से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा जी जी बिल्कुल जैसे कि हम देखते हैं हम जब भी किसी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या जब भी हम कोई स्टडी करते हैं या कोई भी फील्ड हम चूज करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सर इसी के साथ मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जैसे हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पब्लिक से डील करता है और पब्लिक डीलिंग ही है और जिन्हें लोगों में जनता में जाना पड़ता है जो जनता के इश्यूज है उनको समझना पड़ता है उनको जानना पड़ता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का तो किस तरह से बच्चों को इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है जब वो कोर्स में होते हैं और किस तरह से वो सीखते हैं जी आ, हमारी कोशिश ही रहती है कि क्लासरूम टीचिंग्स के अलावा जितना भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए मीडिया हाउसेस के साथ इंटर्नशिप या फिर वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाए तो वो हमारी कोशिश रहती है आ, आ, मतलब ऑनर्स की एच पी यूनिवर्सिटी जो कोर्स बनाया है उसमें ऑनर्स की, की डिग्री में मैंडेटरी है ये सारी चीजें ग्रेजुएशन लेवल पर लेकिन जो पास कोर्स है उसमें नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पर जो स्थानीय जो भी प्रिंट मीडिया के इंस्टीट्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंस्टीट्यूशन है या डिजिटल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ स्टूडेंट्स को अटैच किया जाता है और लगभग दो हफ्ते चार हफ्ते या छः हफ्ते की इंटर्नशिप के लिए उनको इंकरेज किया जाता है अदरवाइज जो मास्टर्स लेवल पे है मास्टर्स लेवल पे ये मैंडेटरी है ये लास्ट सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप का पार्ट रहेगा और वो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजा जाता है और वहाँ पे वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं और उसी में ही उनका अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलती है जी बिल्कुल सर जैसे कि अभी आपने इंटर्नशिप की आ, बात की जैसे कि हम सभी जानते हैं इंटर्नशिप जब इं, इंटर्नशिप एक हमारी जो स्टडीज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब हम जो है क्वालीफाई हो चुके हैं और अब हम इतने केपेबल है कि अब हम जॉब जो है वो कर सकते हैं और इसी के साथ हम इंटर्नशिप भी करते हैं तो अगर हम इंटर्नशिप की बात करें जैसे एच की अगर हम बात करें संजौली कॉलेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की जो बच्चों की इंटर्नशिप लगती है क्या हिमाचल में ही लगती है वो हिमाचल से बाहर भी जाते हैं और किस तरह से सीखते हैं नहीं डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जैसे अभी कॉलेज लेवल पे अगर हम बात करें सिंजौली कॉलेज अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है लेकिन हम अभी तक शिमला के अंदर ही अपने बच्चों को भेजते हैं जो भी यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं प्रिंट मीडिया जी। में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है या फिर दूरदर्शन में हमने अपने बच्चे भेजे हैं ऑल इंडिया रेडियो हम अपने बच्चे भेजते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हम अपने बच्चे भेजते हैं और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ हम अपने बच्चे मतलब अटैच करते हैं लगभग एक महीना वो लोग वहाँ जाते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके वो बड़ा फुलफिल्ड महसूस करते हैं और जहाँ तक एच यूनिवर्सिटी की बात है एच का अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे हमारी आ, मतलब इंटर्नशिप के लिए हमें सी एन बी सी बॉम्बे भेजा गया था इवन दिल्ली भेजा जाता है इवन हैदराबाद भेजा जाता है चं, चंडीगढ़ तक आ, आसानी से बहुत सारे लोग चंडीगढ़ जाते हैं और वहीं से ही मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी दो में मैंने शुरुआत अपने करियर की मतलब आ, अपना सी एन बी सी टी वी एटीन से शुरुआत की थी बॉम्बे में वहाँ पे मैं इंटर्नशिप के लिए गया था और उसके बाद मेरी वहीं पे प्लेसमेंट भी हो गई थी बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर दिल्ली में काम किया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर फिर मैं डेली पोस्ट में रहा जी. और उसके बाद फिर uh, कॉलेज लेवल पर फिर अभी आया और बीच में फिर डी पी आर ओ भी रहा हूँ मैं डी पी आर ओ का मेरा हो गया था और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद मेरा कॉलेज कैडर का हो गया था तो ये अपार संभावनाओं का यू नो फील्ड है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन इसमें अपार संभावनाएँ हैं बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से जो इंटर्नशिप है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और किस तरह से जो बच्चे हैं उनको जॉब्स जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके बाद खुल जाती हैं इंटर्नशिप के बाद जैसे कि अभी आपने अपना एग्जाम्पल दिया तो इसी के साथ जैसे अभी हम जॉब की बात कर रहे हैं किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसके बाद हम हमने एजुकेशन ले ली बच्चे ने एडमिशन ले ली एजुकेशन होगी कोर्स कम्प्लीट हो गया डिग्री कम्प्लीट हो गई तो इसके बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो मेन जो बात होती है और जो मेन जो फोकस होता है वो रहता है स्कोप पर तो किस तरह का स्कोप है और साथ ही हम जॉब्स की भी आगे बात करेंगे तो पर अभी हम जो बात करेंगे वो है स्कोप की कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में स्टडी करके क्या स्कोप है मैम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अपार संभावनाओं का क्षेत्र है यहाँ पे नो डाउट no ये बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें एक बात इस चीज़ से भी आगाह किया जाता था कि भी संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहें तो हमें भी वही था कि भी दो पाँच साल संघर्ष के और उसके बाद आराम ही आराम है दिल्कुल, दिल्कुल, तो आ, कहने का मतलब वही है कि आप संघर्षों में ही अवसर कैसे तलाशते हैं वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है रोज़ हम यू uh, नो you know, जो एजुकेशन का मेन पर्पज़ है टू लर्न न्यू थिंग्स एंड देन अर्न लर्न एंड देन री लर्न यहाँ पर आवरली बेसिस पे होता है तो रोज हम नई चीज़ें सीखते हैं फिर आ, और उस चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं और उन्हीं में ही हम अवसर तलाशते हैं तो इस लेवल पे अगर कोई पैशनेट है और इस लेवल का पैशन है कि यू you नो know, मतलब जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो जर्नलिज्म वो जो आ, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का जिसको कहा जाता है इसीलिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली जर्नलिज्म को अलग से हाईलाइट किया जाता है क्योंकि मास कम्युनिकेशन तो एक ब्रॉड फील्ड है इसमें एडवर्टीजमेंट है पब्लिक रिलेशन है फिल्म इंडस्ट्री है और टिव जो यू नो एग्ज्रेशन वाला जो स्कोप है कम्युनिकेशन uh, जिसमें हो सकता है एक्जरेट हो सकता है उसका स्कोप है लेकिन जर्नलिज्म बड़ा ही सैक्रोसेंट है इसमें बड़ी पवित्रता है इसमें ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग रहेगी सच ही आपको दिखाना पड़ेगा और उसके लिए बड़े ही डेडिकेटेड लोगों की जरूरत रहती है और यही वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी है तो ये सारी संभावनाएं उसी में है अगर आप इतना कोई भी जो हमें सुन रहे हैं आने वाले टाइम में अपने आप को देखते हैं इस सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं जो ग्लैमराइज भी करती है नो डाउट लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस भी है वैसे ही चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में ही अवसर भी मिल जाते हैं तो अगर कोई अपने आप को यहां देखना चाहता है तो अगर उनके अंदर वो पैशन है कि नो no डाउट क्योंकि ये हार्ट बीट है हम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है समाज के बिल्कुण, तो सूचनाओं का आदान प्रदान पहले होता है उसके बाद ऊर्जा आती है शरीर में किसी भी तभी तारतम्यता बनती है सामंजस्य बनता है तो वही सामंजस्य बिठाने वाले लोग ही जर्नलिस्ट होते हैं और वही मीडिया कर्मी होते हैं अगर आप इस लेवल पर पैशनेट है कि आप हार्ट बीट की तरह काम कर रहे हैं कि हार्ट कभी बंद नहीं होता है तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है और आप ना लेते हैं आप अपने काम के लिए ही यू you नो know, uh, जैसे कहा जाता है कि भी ऐसा काम चुनिए जिसमें आपका शौक हो आपका आपकी लग्न हो अगर आप शौक रखते हैं लग्न रखते हैं तो आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेग बेग तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऐसे डेडिकेटेड लोगों के लिए बना है जो यू नो अब सूचना या कोई भी खबर है वो बताकर नहीं आती है रात को दो बजे कहीं आग लग जाती है कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको जाना पड़ता है अपनी पर्सनल प्रायटीज़ को छोड़कर जाना पड़ता है लेकिन आपका डेडिकेशन उस लेवल पर है तो वही सारी चीज़ें ऐसे डेडिकेटेड लोगों के लिए ही यहाँ पे स्कोप की कोई कमी नहीं है अनंत संभावना है तो जैसे हम स्पेशलिटी की बात करते हैं है, या कोई आ, एडिटिंग की तरह जा रहा है, तो लिए किस तरह के है, अवसर है वो खुल जाते हैं जी मैम अगर आप उस तरह से देखें मैम हर लेवल पे आ, लेकिन शुरुआत जो भी है मतलब हर एक रोल से शुरुआत करनी पड़ती है जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ही दे रहा था तो यू नो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे असिस्टेंट लेवल पे पहुंचा तो ये स्टेप बाय स्टेप है और यहाँ पे भी मैं नहीं रुक रहा हूँ इसके बाद भी अपार संभावनाएं हैं और वो चल रही है और वही हर लेवल पे है एक अगर आपने प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं पर भी, भी काम शुरू करना है तो आप एक रिपोर्टर के नाते शुरुआत कर रहे हैं या हो सकता है आप ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर आप मतलब असिस्ट कर रहे हैं किसी सीनियर के साथ अटैच हो रहे हैं और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं उनका रोज़ का रूटीन आप स्टडी कर रहे हैं और उनको असिस्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये सफलता की सीढ़ियां आपको मिलती जाएगी और बाद में आप एडिटोरियल नो चीफ ऑफ डिपार्टमेंट भी हम देख पा रहे हैं कि कितनी अपार जो है से आप जॉब भी है इसमें ले सकते हैं और किस तरह से आप काम कर सकते हैं इसी के साथ साथ मेरे मन में ये सवाल आ रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं वो चेंज हुआ है और चेंज आना इंपॉर्टेंट भी है और किस तरह से टाइम भी एक रोल प्ले करता है हर चीज में हर फील्ड में तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि किस तरह से टाइम के साथ जो ये सब्जेक्ट है जो ये फील्ड है ये चेंज हुआ है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो चेंज मैम यू नो नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज है ना ये प्रकृति का नियम है और यहाँ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में तो ये डेली बेसिस पे और आवरली बेसिस पे ये मतलब uh, सटीक बैठता है तो नो no डाउट आने वाला समय बहुत ही यू uh, नो you know, uh, चुनौतियों भरा रहेगा और नो no डाउट उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है जैसे डिजिटल मीडिया खासकर न्यू मीडिया के आने से जो ये नया रेवोल्यूशन आया है उसने बहुत सारे चैलेंजेस मतलब हमारे सामने लाए थे लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हमें लग रहा था अब शायद हो सकता है एक हम पढ़ते हैं कि एक समय जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था जब इवन रेडियो आया था तो उस टाइम लग रहा था कि भी शायद प्रिंट को अब ये अपसोलीट हो जाएगा दिल्कुल, लेकिन दिल्कुल। ऐसा नहीं होता है आ, वो अपनी खास पहचान के साथ दोबारा से उभरते हैं और वो हमेशा रहते हैं और वही अब जो न्यू मीडिया है वो न्यू मीडिया आज की डेट में जो डिजिटल मीडिया हो गया है इंटरनेट के आने के बाद इंटरनेट के दौर का मीडिया है तो अब यही है कि जो रेडियो और टेलीविज़न है वो अप्सुलेट नहीं हुए हैं उन्होंने अपने आप को और निखारा है और नो डाउट डिजिटाइज होना पड़ा है और डिजिटाइज हुए हैं अब हम ऐसे समय में रह रहे हैं यू नो जहाँ पे एक स्मार्टफोन आपका बॉडी पार्ट बन चुका दिल्कुण, है दिल्कुण। और इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं मुझे नहीं लगता कि जिस टाइम टेलीविजन या रेडियो आए थे कि जब यहाँ से हम लोग कोई कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जो दूसरी कैमरे की के दूसरी साइड वो उसे देख रहा है वो हर एक के पास हर एक अभी टी के पास बैठा है या नहीं बैठा है ये हम इंश्योर नहीं कर सकते थे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अब इतना हो गया है है, कि भी हर एक के पास स्मार्टफोन वहां पे कोई ना कोई बैठा है और ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे हैं तो, you know, है। तो हमें करना पड़ेगा, अनुकुल, करना पड़ेगा अपने आप को और रोज नया नया सीखना पड़ेगा जी, जी। बिल्कुल जैसे कि हम जानते हैं जैसे अभी आपने डिजिटल मीडिया के बारे में बात कही और हम जानते हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है वो आजकल ग्रो कर रहा है और जो बच्चे हैं बच्चे ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप जो है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है और कई सारी चीज़ें सीखते भी हैं और देखते भी हैं तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हुए हैं वो कई बार अपना यूट्यूब चैनल जो है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कार्य करते हैं और अपना जो मीडिया का उनका जो सफ़र है जो उन्होंने सीखा है उस उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो दर्शाते हैं तो क्या क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए जी एक्चुअली uh, मैडम हम uh, जो न्यू मीडिया की अगर हम बात करते हैं न्यू मीडिया में हम uh, अगर uh, उसको संक्षेप में कहें तो आज हम ऐसी एज में ऐसी uh, युग में रह रहे हैं जहाँ पे वेयर कंटेंट इज़ द किंग बिल्कुल एंड एंगेजमेंट इज़ द क्वीन एंड क्वीन रूल्स द यू नो हाउस तो किस तरह से आप जो कंटेंट बनाते हैं वो बहुत ही यू you नो know, आपको बहुत ऊंचाइयां आपको प्रोवाइड करवा सकता है लेकिन आपको किस तरह आपको वो आर्ट में भी आपको अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा कि आप किस तरह से लोगों को और जो कंज्यूमर है उस कंटेंट का उसको आप कैसे इंगेज करते हैं तो नो no डाउट आने वाले टाइम में अपार संभावनाएँ हैं और सबसे बड़ी संभावना यही वाली थी कि भी आपको जॉब्स के लिए ही ताकना नहीं पड़ेगा जॉब्स की भी अपार संभावनाएँ हैं बहुत सारे चैनल में बहुत सारी यू नो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म के अलावा अगर ओवरऑल देखते हैं जो भी दूसरे मास कम्युनिकेशन के विन्यूज है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं अदरवाइज आप अपने लेवल पर भी आप अपना प्रोफाइल भी स्ट्रांग कर सकते हैं आप अपने चैनल्स बना सकते हैं आप खुद एंटरपोनर बन सकते हैं ऐसे हमने कोविड टाइम में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हमने देखे जिनकी नौकरियाँ छिन गई लेकिन वो नौकरियाँ छिनना उनके लिए यू नो बना और उसके बाद फिर उन्होंने अपने लेवल पे इतना

बच्चों को और इन लोगों को जो पार्ट बनना चाहते हैं इस फील्ड का जी आ, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप में वो पैशन है वो जज्बा है कि आप घड़ी देख के काम नहीं करते हैं आप अपने पैशन को देख के काम करते हैं और यू नो पैशन यू नो पैशन से ही जीनियस बनते हैं तो अगर आपके अंदर वो पैशन है और आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है आपके अंदर नया सीखने की ललक है और समय के साथ अनुकूलित होने का जज्बा है क्योंकि आप ऐसे फील्ड में डील कर रहे हैं जो हर वक्त हर पल नया सीखने का आपको मौका देगी और हर वक्त डेवलप हो रही है हर वक्त बदल रही है तो और जहाँ पे यू you नो know, आप एडवर्टीज़मेंट पढ़ते हैं जहाँ और एडवर्टीज़मेंट वो विधा जहाँ पे आप मतलब कंज्यूमर को इस तरह से कन्वि कर रहे हैं कि जिसको आपने वो चीज बेचनी है उस चीज के लिए आपने कंज्यूमर के पैसे खर्च करने हैं जिसकी उसको जरूरत नहीं है जी। और दूसरा वहां, मतलब जो भी है कंज्यूमर कोई भी चीज खरीदता है तो वो उस ऐसे ही नहीं खरीदता है बिल्कुल। वो आपकी स्टोरी से आपकी कहानियों से आपके मैजिक से कन्विंस होता है तो जहां वो मैजिक क्रिएट करते हैं जहां आप यू नो पिक्चर इज वो था वर्ड्स अगर आप वो पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं तो अपार संभावनाएं हैं आपके लिए सर से, थोड़े से समय की जो है हमें, हमें पाबंदी <laughs> रहती है पर किस तरह से आपने हमें बताया कि किस तरह से हम पार्ट ले सकते हैं और किस तरह से एंट्रेंस हम दे सकते हैं और किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं ये सभी के बारे में हमने जाना तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी के लिए बस इतना ही आपसे लेंगे इजाजत लेकिन आप देख ते रहिए दूरदर्शन हिमाचल नमस्कार